सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता। आज मैं आपको वक्त के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हैं। टाइम की वैल्यू पहले तो हमें पता होती नहीं है, जब वो वेस्ट हो जाता है उससे तब हमें उसका वैल्यू पता चलता है। मैं अपनी नानी से बचपन में बहुत सारे स्टोरी सुनती थी। उसमें से एक स्टोरी था महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध जी ने किसी ने पूछा कि इंसान को सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, तो महात्मा बुद्ध जी ने आंसर दिया कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है। सही कहा ना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, जब वो वक्त गुजर जाता है उसके बाद हमें उसका वैल्यू पता चलता है। वक्त को लेकर एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। सॉरी, बैड न्यूज़ ये है कि वक्त चलता नहीं, वक्त उड़ता है। पर गुड न्यूज़ ये है कि हम चाहें तो हम वक्त का पायलट बन सकते हैं, हम वक्त को उड़ा सकते हैं। वक्त हमें बहुत कुछ सिखा लेता है। हमारे लाइफ में टीचर और वक्त बहुत कुछ सिखाते हैं, पर दोनों में फ़र्क इतना है, टीचर पहले पढ़ाते हैं फिर एग्ज़ाम लेते हैं, पर वक्त पहले एग्ज़ाम लेता है फिर सिखाता है। वक्त का वैल्यू किसे पता होगा आप जानते हैं? वन ईयर की वैल्यू एक फेलियर स्टूडेंट को पूछिए, वन मंथ की वैल्यू एक डिलीवरी को, कुछ दिन बाकी होता है, माँ का कोख गुजर जाता है, उसे पता होता है। एक मिनट की वैल्यू उस मुसाफिर से पूछिए जिसका एक मिनट की देरी से उसका बस या ट्रेन छूट जाता है। एक सेकंड की वैल्यू भी बहुत होती है, जिसका एक सेकंड भी अगर हो एक्सीडेंट हो जाने से बच जाता है, और एक मिली सेकेंड वो ओलंपिक खिलाड़ियों से पूछिए जो कि एक मिली सेकेंड के चोक से अपना मेडल हार जाते हैं। वक्त हमारे पीछे नहीं, हमें वक्त के पीछे दौड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कि वक्त की कदर नहीं होती। अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त हमारा कदर क्यों करेगा? फ्री में तो मिलता है, पर उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। बहुत सारे लोग होते हैं वक्त को ज़्यादा डिले करते हैं। मतलब कहावत यह है कि कल करे सो आज करे सो अब, पर लोग अपने लेजीनेस में इतना फंस जाते हैं कि वो आज जो करेंगे वो आज जो करना है कल करेंगे, कल जो करना है परसों करेंगे, ऐसा करते हैं, इसीलिए वो बहुत पीछे रह जाते हैं। मेरे मन में ये छोटी सी बात आई, मैंने इसीलिए आप सब लोगों से शेयर किया। अगर मेरी ये सोच आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा।